कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीन चरणों के मतदान के बाद मोदी और शाह घबरा गए हैं। वे चुनावी मुद्दों पर या उनके द्वारा किए गए काम पर बात नहीं करते। वे सिर्फ कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के भाषण को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, हमारे पार्टी के नेता को शहजादा कहना, ये तमाम बातें जो जरूरी नहीं है वह कह रहे हैं। कभी मुगल, कभी मटन, कभी चिकन, कभी बीफ, कभी मुस्लिम लीग, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। हमारे मोदी जी को एम शब्द से बेहद मोहब्बत है। इसमें जो एम शब्द से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, पीएम मोदी इसे पसंद करते हैं। के मतदान के बाद और भी मोदी और शाह साहब बहुत घबरा गए हैं, इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं, जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते हैं, और सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी, सिर्फ हर बात को कांग्रेस को गालियां देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। अरे आप तो एक इलेक्शन, दो इलेक्शन में और दो तीन साल पहले तो ये कहते थे कोई कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बार बार फिर कांग्रेस को क्यों गालियां दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से आप डरते हो और डरने वाले लोग ऐसी भाषा करते हैं, कभी मुगल की बात करते हो, कभी मटन की बात करते हो, कभी चिकन की बात करते हो, कभी बीफ की बात करते हो, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हो, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये यम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।